भव्य शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाया भगवान परशुराम का प्रकोत्सव। भौंती अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार अस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भौंती ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष महेश तिवारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर डीजे ढोल नगाड़ों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए खेरेश्वर धाम परशुराम मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह रसपान पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। भगवान परशुराम का विधि विधान से पूजा अर्चना कर अभिषेक कर हनुमान चालीसा व परशुराम चालीसा कर महाआरती की गई। भौंती ब्राह्मण समाज द्वारा पधारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार संजय बैचैन, पिछोर नगर पालिका अध्यक्ष विकास पाठक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, कृष्ण पराशर, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर अग्रवाल, समाज सेवी अखिलेश बिलैया सहित सभी विप्र बंधु उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। शोभा यात्रा के समापन पर प्रसाद वितरण के साथ भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार रामेंद्र तिवारी, रामगोपाल तिवारी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, सीताराम शर्मा, अभिषेक स्वामी, जयप्रकाश मिश्रा, विवेक मिश्रा व सभी विप्र बंधु उपस्थित रहे। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। कायरता समझ लेते हैं, हु करते फिरते हैं और शेर बोलता नहीं है तो वो सोचते हैं जी डर गया तो जी हमारे रास्ते में अब क्या करेगा, 10-25 सुअर या वो यार वो क्या कहती है लकड़बग्घे टाइप की वो तो उस गांव में एक आधी शेर रहता है, लकड़बग्घों की तो खोजे रहती हैं, तो उस शेर को मान के जानती है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पिछोर क्षेत्र का ब्राह्मण वास्तविक तौर पर आज एक भयानक संकट को झेल रहा है और कई ऐसे तत्व जिन्होंने न शिक्षा ग्रहण की है न जिन्होंने कहीं कोई अच्छे तालीम ली है, ऐसे तत्व गांव-गांव में जाकर भले ब्राह्मणों को सज्जन ब्राह्मणों को जिन पर का ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है ना जिनके साथ कोई राजनीतिक बल है, ऐसे गरीब ब्राह्मणों को यहाँ जाकर आता है, हर समाज की रक्षा करता है, हर समाज की बुद्धि देता है, हर समाज के लिए हमेशा संकट में खड़ा रहता है, उनके यहाँ पूजा पाठ से लेकर हर क्रियाक्रम करने को आधी रात को तत्पर रहता है। ऐसे यदि किसी दरिद्र ग्रामीण ब्राह्मण पर किसी भी गुंडे के लोगों ने कुदृष्टि डाली तो भौती के लोग तो बाद में रहेंगे, आपका छोटा भाई संजय ना मुझे किसी राजनीतिक दल की जरूरत है ना किसी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है, मेरे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो एक ओंकार के साथ जब पूरे देश भर में एक आवाज के बाद उस अराजक तत्व को कुछ पार्टियों से निकलवा सकते हैं तो यदि वो दूसरी बार ये सोचे कि अब मैं आ गया क्या कर लिया पंडितों ने तो वो ये भूल जाए, यदि दोबारा उसने कोई भी अभद्र शैली का इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम उन्हें वही भुगतना पड़ेगा जो कानून के दायरे में। हजारों तरह